तो कैसे हैं दोस्तों, आज हम हैं काठमांडू के मार्केट में और आज आपको हम बताने वाले हैं कि नेपाल की खूबसूरत लड़कियां आखिर खाती क्या है। तो चलिए देख सकते हैं, ये नेपाल का फूड मार्केट है और देखिए ये लड़कियां क्या खा रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर आज का ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और चैनल पर जो भी दोस्त हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ताकि हमारा हर एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये क्या है, नॉन वेज है? सॉसेज है। ये देखिए इन लोगों को भी, क्या नाम है इसका जो आप खा रही हो, क्या नाम है? सॉसेज। सॉसेज और भेज है या नॉन वेज है? ये नॉन वेज है। मतलब किस चीज़ का नॉन वेज है? ये बफे, भैंसे का, भैंसा। तो भाई यहाँ पे ना नॉन वेज खास के बफ लोग बहुत पसंद करते हैं खाना, और हम लोग यहाँ इंडिया में लोग नहीं खाते ना, हम लोग यहाँ लोग चिकन मटन और ये खाते हैं, बफ नहीं चलता है। क्या नाम है आपका? शिला और अनीता है भाई। देखिए ये लोग खा रही है सॉसेज, तो उसमें चटनी बचा नहीं है फिर भी लगा रही है। आप ब्लॉग बनाते हो? हाँ, ब्लॉग। ब्लॉगर। और फिर इधर आप देखिए भाई किस तरीके से लोग, अरे शो कैसे खा रहे हैं भाई बच्चे लोग, आराम से खाएगा बता। तो ये देखिए ऐसे यहाँ पे लोग खाते हैं अपने पसंद का जो भी है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये मार्केट के बीचों बीच है, फटाफट कुछ खाने को मिल जाता है। यहाँ लोग ज़्यादा सॉसेज पसंद करते हैं, हर एक लोग यही खा रहे हैं भाई, लगता है यहाँ का फेमस है। तो देखते हैं भाई, ये देखिए भाई ये सारे लोग यहाँ वेटिंग में हैं और ये लोग भी वेट कर रहे हैं कि भाई इनकी बारी कब आएगी और इनको कब मिलेगा। तो काफ़ी भीड़ भर है भाई इस दुकान पे। और ये देखिए एक छोटा सा स्टॉल है मार्केट के बीचों बीच का, स्टॉल है सड़क किनारे, यहाँ पैसे। ये स्टॉल फिक्स रहता है या हर रोज लगाते हैं? दशहरा तक। ओ, मेला चल रहा है ना, दशहरा मेला। तो भाई ये दशहरा के मौके पर, ऐसे भी ये मार्केट अच्छा होता है लेकिन दशहरा के मौके पर और भी ज़्यादा भीड़ भर बढ़ गया है भाई। और देखिए यहाँ पे गोलगप्पे, तो आप लोग यहाँ पे गोलगप्पे का भी मज़ा ले सकते हैं। ये क्या खा रही है? ये लोग खा रही है ना वो झाल मुरी है ना, यहाँ चटपटा लोग बोलते हैं इसको। तो ये खा रही है लोग चटपटा। तो इधर भाई ऐसा नज़ारा है, ये देखिए ये लोग ना बच्चे लोगों के साथ यहाँ पे बहुत सारा आइटम है जो यहाँ मिलता है, लोग खा रहे हैं। तो आप देखो, आप बैठ सकते हैं, ऐसे कुछ खाने पीने का भी यहाँ मिलता है, खिलाते हैं। ये देखिए ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं खाने वाने के लिए। तो ऐसा रेस्टोरेंट वगैरह भी है यहाँ। और ये देखिए ये मोमोज, नेपाल का फेमस मोमोज। और इधर आप देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे ये मोमोज काउंटर है ना। तो ये मोमोज और भी बहुत सारा स्ट्रीट फूड यहाँ मिलता है भाई। तो देख सकते हैं आप लोग, चलते हैं थोड़ा सा अंदर भी देखते हैं भाई क्या है अंदर में। ये इस तरीके से यहाँ पे ये है, ये रेस्टोरेंट है आपका, ऊपर में है बैठने का।
और क्या नाम है आपका? ईशा तमंग तामरा का। ईशा तामरा का। और ये कितने दिन से ये रेस्टोरेंट आपका चलता है यहाँ? कितना दिन से? ओल्ड, कितना ईयर ओल्ड है ये रेस्टोरेंट? 6-7 वर्ष। तो आपका है ये आप ही का है? दीदी को। ओ, आपके आपके दीदी का ना। तो ऊपर जाने का रास्ता है? भीड़ भाड़ होगा ऊपर काफी? ठीक है, ठीक ठाक ना, ठीक है। थोड़ा ऊपर जाते हैं। चलिए, तो ऐसा सीढ़ी है और इस सीढ़ियों से हम चलते हैं ऊपर और आपको भाई दिखलाते हैं यहाँ का ये भूल भुलैया वाला रेस्टोरेंट। और ये देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे यहाँ पे जगह बना हुआ है जहाँ पे आप आराम से बैठ के खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए भाई, ये ऐसा छोटा सा कॉटेज बना हुआ है, छोटा छोटा, और उसके अंदर आप बैठ के खा सकते हैं। मुश्किल से भाई सर झुका के लोग अंदर आ भी पाते हैं। चलते हैं इससे ऊपर, आपको दिखलाते हैं। वाओ, ये देखिए, ये ऐसे इधर भी है और ये छोटा सा रूम है और इसके अंदर से खिड़की वगैरह है, वहाँ पर बैठ के आराम से खा सकते हैं। और ये देखिए, ऑर्डर ले रही है भाई ये। तो ये है भाई, देखिए कितना छोटा छोटा रूम है भाई, प्यारा प्यारा रूम, और 3-4 लोग इसमें बैठ के आराम से खाते पीते हैं। ऊपर भी ये लोग किचन ऊपर लोग आते हैं एकदम छोटे छोटे जगह से भाई ऊपर। तो आप देख सकते हैं ये कितना कम जगह है। और उससे भाई हम ऐसे उतरेंगे नीचे, आपको दिखलाते हैं फिर। लेकिन बहुत मज़ा आता है खुद से वहीं बैठ के खाने दोस्तों इस तरीके। और सोचे थोड़ा सा आप लोग, थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लें। तो अभी उसी रेस्टोरेंट के एक खोपचे में मैं, मतलब छोटा सा कमरा है। लोगों को ये एपिसोड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिलहाल अब चलते हैं भाई, काफ़ी थक गए हैं चलते चलते, तो अब चलने का मज़ा ही कुछ और है। तो निकलते हैं भाई। तो दोस्तों आपको जान के ताज्जुब होगी कि भाई नेपाल की ये जो खूबसूरत लड़कियां हैं वो खाती है सॉसेज। और सॉसेज किस चीज़ का बना होता है ये जान के और भी आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ये सॉसेज बना होता है भैंसे के मीट का। तो नेपाल की खूबसूरत लड़कियां खाती है भैंसे का मीट, तो है ना अजीब बात। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारी के लिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर।